ये लोग देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया और आज माफी मांगी। जब 600-700 किसान शहीद हो चुके हैं, क्यों मांग रहे हैं? क्या ये देश समझ नहीं रहा है कि चुनाव आ रहे हैं? उनको लग रहा होगा परिस्थितियां ठीक नहीं है। विधानसभा के चुनाव जो है, उनका सर्वे आया है, उसमें उनको दिख रहा है कि परिस्थितियां ठीक नहीं है, तो अब चुनाव से पहले वो माफ़ी मांगने आ गए हैं। आज आप आकर कह रहे हैं कि ये कानून आप रिपील करेंगे, तो हम कैसे भरोसा करें? हम आपकी नियत पे कैसे भरोसा करें? सब स्पष्ट है, सामने है देश के। मुझे खुशी इस बात की है कि ये सरकार समझ गई है कि इस देश में किसान से बड़ा कोई नहीं। इस देश में अगर एक सरकार किसान को कुचलने की कोशिश करती है और किसान खड़ा हो जाता है, तो उस सरकार को अंत में झुकना ही पड़ेगा। ये सरकार समझ गई। किसान नेताओं ने कहा है कि वो अपना बिल अभी आंदोलन जारी रखेंगे और वो वापस नहीं जाएंगे, तो इसमें क्या कांग्रेस उसका समर्थन करती है? आपको लगता है कि आप किस स्टैंड, आपका स्टैंड क्या है? उनका स्टैंड बिल्कुल सही है, क्योंकि जब इस सरकार की नियत पर भरोसा नहीं किया जा सकता, रोज बदलता है। उत्तर प्रदेश और पंजाब दोनों जगह चुनाव है, पंजाब पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि अमरिंदर सिंह वहां पर उन्होंने सबसे पहले स्वागत करने वालों में हैं, एक तरीके से वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं। इससे आपको कुछ समझना चाहिए। आप देखिए, पंजाब की जनता में बहुत विवेक है। पंजाब को किसानों ने बनाया है, किसान सब कुछ समझता है, मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सब समझते हैं कि क्या हो रहा है, सब देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से राजनीति हो रही है।